परमिशन दे दिए कल बागेश्वर बालाजी महाराज के यहाँ जाने के लिए। डेली में उनके साथ में डिपेंड थे कि वो ले जाएंगे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माई न्यू ब्लॉग। सुबह के बजने वाले 11:30 और मैं देखे 10 मिनट पहले ही किचन में से आई हूँ अपने रूम में थोड़ा हवा लेने के लिए। तो सुबह में मैं जैसे जो कपड़े पहनी हूँ नहा के वही पहन के डायरेक्ट किचन में चली गई हूँ, क्योंकि लेट में उठी भी थी सुबह में। रात में भी मुझे 12:30-1 बज जाता है सोने में, क्योंकि वीडियो एड करना पड़ता है। तो फिर रात में लेट सोते तो सुबह भी 6:30 के बीच में ही नींद खुलती है मेरी, और मुझे कोई जगाता भी नहीं है। क्योंकि जब भी मैं अगर एक बार सो जाती हूँ तो सबको पता है कि मैं बहुत जल्दी सोती नहीं हूँ, और सो जाती हूँ तो उसके बाद भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है। तो मेरी आदत बन गई है 6:30 के बीच में, चाहे मुझे कितना जल्दी रहता है मैं बहुत कोशिश भी करती हूँ। उसके बाद भी क्या बोलते हैं 6:30 इतना ही हो जाता है मेरा टाइम। तो उठने के बाद भी मुझे झाड़ू पोछा करना था और नहाना था, तो मैं नहा के यही सुबह में कपड़ा डाली हूँ। और उसके बाद फिर मैं किचन भागी, क्योंकि मुझे 7:30-8 हो गया था पूरा काम निपटाते। और 9 बजे तक मैं तो बताई थी कि पंडित जी आने वाले हैं, तो पंडित जी 9:30 के आसपास में आए हैं, और उस टाइम पर मेरा पूरा खाना बन गया था। बस एक ही दिक्कत हो गया था कि आकृति और बाबू को टिफिन नहीं जा पाया था, क्योंकि अगर मैं उन लोगों के लिए टिफिन बनाती तो फिर गैस चूल्हा और बर्तन सब जूठे हो जाते, तो फिर से मुझे सफाई करनी पड़ती किचन की, इसलिए मैं उन लोगों को नहीं की हूँ। तो वो लोग ऐसे ही चले गए थे, तो उनके पापा क्या बोलते हैं 10 बजे के आसपास में उन लोग का टिफिन ले गए पहुँचाने के लिए, और मम्मी भी नहीं खाई है, उनको पता नहीं टेंशन पकड़ा है कि पता नहीं आकृति स्कूल में खाई होगी कि नहीं खाई होगी। तो मैं एक दो बार बोली हूँ कि खा लीजिए अगर फ्री हो गई हैं, तो सीधे मना कर दिए, बोले कि नहीं जब तक आकृति नहीं है। जबकि मैं उसको पूछ नहीं लेती कि वो लंच की है कि नहीं, क्योंकि घर की कन्या है वो, तो नहीं खाएंगी। तो चलिए मैं आप लोग को उस वाले रूम ले चलती हूँ जहाँ पे पापा की पुण्यतिथि पर प्रसाद चढ़ाया गया है, और जहाँ पर उनके लिए भोग वोग लगाए, मैं दिखाती हूँ आप लोग को चल के वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पापा जी का पिक्चर है, और उनको यहाँ पे इतना सारा भोग लगाया गया है। तो पंडित जी अपने खाने से पहले यहाँ पे भोग लगाए हुए हैं पापा को, और जो भी यहाँ पे प्रसाद चढ़ा हुआ है सब गाय को शाम को डाला जाएगा, शाम को गाय खाएगी इसको। और उसके बाद मम्मी और मैं दो लोग रहेंगे खाने के लिए, बाकी पंडित जी खा के चले गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखे हैं हमारे पापा जी, मतलब हमारे ससुर जी, आप लोग इनको नहीं देखेंगे लेकिन आज आप लोग इनको देख लीजिए। तो मैं भी जा रही हूँ अपना लंच करने, बाकी सारे लोग मेरे यहाँ पे कर लिए हैं। तो मैं बनाई थी पनीर वाली सब्जी, कद्दू की सब्जी और 12 मीठी वाली चटनी, पूड़ी, पुलाव और साथ में अचार। सलाद मेरा ख़त्म हो गया है, और पालक वाली सब्जी क्या बोलते हैं, हाँ पालक वाली सब्जी मैं नहीं बनाई, क्योंकि मुझे बैंगन ही नहीं मिला सुबह में, तो मैं पालक की सब्ज़ी कैंसिल कर दी। पालक मेरा वैसे ही रखा हुआ है, बाकी मुझे सुबह में जितना बन पाया मैं उतना ही बनाई हूँ। तो अभी देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारी साड़ी जो है फाल पीको होकर आ गई है, और उसके बाद दूसरी वाली जो साड़ी हमारी थी ये है। तो जब तक दोनों का ब्लाउज नहीं बन जाएगा मैं दोनों साड़ी ठीक से नहीं दिखा सकती आप लोगों को, तो मैं बस वेट कर रही हूँ इनका ब्लाउज बन के आने के लिए। ब्लाउज बन के जब आएगा तो दोनों साड़ियों की बनेगी रील, और दो साड़ी ये है, दो साड़ी अभी और मैं ऑर्डर की हूँ फिर से, तो जिसमें से एक आ गई है उसको भी नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि वो अलमीरा में रखा हुआ है, और एक अभी आने वाला है। तो नहीं तीन थी, दो तीन पांच पांच साड़ियाँ मैं ऑर्डर कर दी हूँ। मैं पहले ये दोनों ऑर्डर की थी, फिर तीन बाद में की हूँ, एक आ गई, दो अभी और आने बाकी है। सब मिला के 5 साड़ियाँ हैं मेरे पास, तो जिसमें से 3 आ गई हैं और 2 का फाल पिको हो गया है, 1 अलमीरा में पड़ा है। कल परसों तक वेट करूँगी, दोनों आ जाएगी तो तीनों साथ में मिलाकर मैं दूँगी फाल पिको के लिए। और बाबू आज घर में ही फील्ड बना दिया है बैट बॉल खेलने के लिए। क्या कर रहे हो जी? बॉल दे दूं? तुम खुद ही बैटिंग कर रहे हो, तुम खुद ही फील्डिंग कर रहे हो। मम्मी और दीदी को बॉल दे दो। दीदी को बॉल दे दे, दीदी बॉल ले लो फील्डिंग करने के लिए। क्या बताया, छत पे मैं दोपहर में कपड़े डाली थी, कल का भी सूखा हुआ कपड़ा जो नीचे पड़ा हुआ था उसको भी ले गई मैं छत पे डालाई। डालने के बाद क्या हुआ, जैसे मैं नीचे लंच करने आई, जैसे मैं पूड़ी खाने के बाद चावल खाना स्टार्ट की, इतनी तेज़ बारिश हुई कि ना मैं ऊपर जा पाई ना मैं खाना ही हटा पाई सामने से, और सारे कपड़े मेरे भीग गए हैं। तो 2 बार बारिश हुई थी, एक बार शाम को बारिश हुई है ना, तो एक बार मैं शाम को रूम में बात कर रही थी, भाई का फ़ोन आया था,
तो उस टाइम पे भी बारिश हो गई थी, एक बार मैं लंच कर रही थी उस टाइम पे भी बारिश हो गई थी, तो सारे कपड़े मेरे से पर भीग गए, मतलब सूखे जो थे वो भी भीग चुके, तो कोई बात नहीं मैं उसी पर छोड़ दूँगी। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कपड़े ही नहीं उतारूँगी क्योंकि मैं उनको इतना आराम आराम से सुखा रही हूँ, बारिश कर करके भगवान जी सारे कपड़े भिगा दे रहे हैं। क्या करना है, कोई घर में बैठ बैठ खेलता है बाबू? बाहर बारिश हुई है तो घर में मिरर तोड़ दो, खिड़की का जो दरवाजा है वो तोड़ दो, टीवी, दीदी का सर फोड़ दो, मम्मी का भी सर फोड़ दो, टीवी तोड़ दो, एक बार खिला दो जिसको, एक बार एक बार बताने से कैसा बोल जाता है, ऐसे जमीन पर से दो उसको, बाबू नहीं खेल पा रहा तो गुस्सा हो रहा है। और इस टाइम समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाया जाए, सुबह में तो बन जाता है, शाम को नाश्ता भी हम लोग कर लेते हैं, तो शाम को नाश्ते में वही 12 बचा हुआ था आज, तो सारे लोग वही खाए हैं, चाय पी लिए, और अभी रात के डिनर के लिए सोचा जा रहा है। तो मैं तो कहती हूँ कि आप लोग सारे लोग जितने लोग दिन भर में खूब अच्छा अच्छा खा लो, फिर शाम को डेली एक ही चीज़ बनाया जाए, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, ताकि शाम को किसी से पूछना ना पड़े कि क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए। जैसे कि अभी आकृति के पापा नहीं हैं, गए मार्केट, तो मैं वेट कर रही हूँ उनका आने का, आए उसके बाद पूछा था क्या बनाना, फिर मैं चलूँ बनाने के लिए। और अभी टाइम हो रहा है पौने सात नींबू वाले चाय का, तो आकृति के पप्पा जब आ जाएंगे तब चाय बनाया जाएगा उस टाइम पे। बहुत अच्छा मार रही हो, बहुत अच्छा। तो हमारे लिए एक गुड न्यूज है, गुड न्यूज हमारे लिए ये है कि आकृति के पप्पा जो है हमको परमिशन दे दिए कल बागेश्वर बालाजी महाराज के यहाँ जाने के लिए। डेली मैं उनके साथ पे डिपेंड थी कि वो ले जाएंगे, लेकिन वो खुद से बोले कि मैं कल अकेले जा सकती हूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आकृति भी बोल रही थी कि उसको भी साथ में जाना, लेकिन भीड़ मैं सुनूँ काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं आकृति को लेकर नहीं जाऊँगी, नहीं तो फिर पता चला मैं अकेले आकृति अकेले हाथ छूट गया तो फिर मैं कहाँ पर उसको ढूंढूंगी। तो मैं आकृति को नहीं ले जाने वाली हूँ, मैं अकेले ही जाऊँगी कल, और उसके बाद फ्रेंड को फ़ोन करने वाली हूँ, अगर वो जाएंगी तो साथ में उनको भी मैं लेके जाऊँगी। तो वैसे तो आज 15 तारीख है, आज मुझे जाना चाहिए था क्योंकि आज अर्जी लगने वाली है, तो बहुत लोग अर्जी अपना डाले होंगे, तो मैं देखने के लिए जाना चाहती थी कि कैसे लगती है अर्जी वहाँ पे। और वैसे भी मुझे अर्जी नहीं लगाना है वहाँ पे क्योंकि भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मैं सुखी भी हूँ, और क्या बोलते हैं, जितना है उतना में मैं खुश हूँ, और मुझे एक्स्ट्रा मांगने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं उनकी इतनी बड़ी भक्त हूँ, क्या बताऊँ, मैं उनको सुनना स्टार्ट की हूँ तब से, मैं उनको देखने की बहुत इच्छा थी मेरी कि मैं उनको देखूँ। मैं मुझे पता है मुझे जाने के बाद भीड़ में मैं उनके दर्शन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अगर मैं वहाँ पर जाकर सीढ़ी में भी उनको देख लूँगी तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। तो मैं वैसे उनको देखने के लिए वहाँ पर जा रही हूँ और उनकी कथा को सुनने के लिए जा रही हूँ, मुझे नई अर्जी लगाना है, तो मुझे कल मिल गया मौका, अब इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। तो कल के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि कब रात से सुबह हो और मैं जाऊँ वहाँ पर वहाँ उनके दर्शन के लिए। तो पहले मुझे अपने फ्रेंड को फ़ोन करके पूछना पड़ेगा वो चलेंगे कि नहीं, नहीं जाएंगे तो फिर मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। अगर तो कभी मेरे सौरभ जोशी से नहीं मिल रहे, मैं उनका का घर देखी हूँ, और मैं अकेले लड़की कहाँ 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 जाऊँगी जी। हम लोग हल्द्वानी तक जा सकते हैं और पता नहीं क्या क्या रास्ता है, हम लोग सर्च करके वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन हम लोग अकेले हैं। अबला नारी बेचारी कहाँ कहाँ जाएगी, तुम अबला लड़की बेचारी, मैं अबला नारी बेचारी, ऐसे मोबाइल में तो सब उनके घर देखे हैं, जाने के बाद तो पता चले है ना। तो अभी तो हम लोग कहीं और जाना है घूमने के लिए, प्लान बनाया है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो इस बार हम लोग वहाँ जाएंगे, नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा तो जाएगा। बाबू बाहर खेल रहा है बैट बॉल, बारिश भी हुई है इसी बारिश में, और मैं जा रही हूँ कट करने सब्जी। तो यहाँ पे आज हमारे यहाँ पे बनने वाली है भिंडी की सब्ज़ी, तो मैं भिंडी कट करने जा रही हूँ, और टाइम रहा है 8 बजने वाले हैं, तो मैं भिंडी कट कर रही हूँ और चाय चढ़ाई हूँ नींबू वाला, क्योंकि आकृति के पापा लेट आए हैं, तो मैं लेट ही चाय बना रही हूँ। तो नींबू वाली चाय पक रही है और मैं तब तक अपना भिंडी कट कर लूँगी यहाँ पे। हाँ क्यों, हाँ तो हमारी भिंडी भी कट गई और नींबूला चाय भी बन गया, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा सबको चाय मिली है, क्योंकि क्या बोलते हैं,
हाँ केतली में पानी था, मैं ध्यान नहीं दी, उसी में चाय को छान दी, तो फिर दोबारा से थोड़ा सा चीनी चाय पत्ती डाल के उबाल दी हूँ, इसलिए सबको जो एक्स्ट्रा चाय मिला है इतना आधा आधा ग्लास और पीना भी पड़ेगा। हमारे यहाँ पे सारे लोग डिनर कर लिए हैं और मैं भी जा रही हूँ करने के लिए, और इधर दिखाते हैं, इधर हमारा डिनर ढक के रखा हुआ है, मैं दिखा रही हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं अपना डिनर ढक के रख दी हूँ, मैं नहा लेती हूँ उसके बाद ही खाती हूँ रात में। ये सुबह वाली सब्जी और भिंडी की सब्जी जो बनाई थी मैं, रोटी चावल और बारा, जिसमें से कुछ खाने में अलग निकाल के खा लूँगी और कुछ ढक के रख दूँगी, क्योंकि लोग बोलते हैं कि पितृ विसर्जन वाले मंथ में किचन को खाली नहीं रखना चाहिए, कुछ ढक कर रख देना चाहिए। इसमें से मैं रोटी चावल और जितना भी सब कुछ है निकाल के ढक के रख दूँगी रात के लिए। लोग बोलते हैं कि पितृ विसर्जन जो हमारे पितृ लोग रहते हैं, जो पूर्वज लोग होते हैं, वो आते हैं खाने के लिए, ऐसा मानना है भाई हिंदू धर्म में, हमको तो पता नहीं है, लेकिन बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उसको करना चाहिए, तो इसलिए मैं ढक के रख दूँगी सब कुछ, उसके बाद अपना ले जाऊँगी खाने के लिए। तो सब्ज़ी मैं रख दी गर्म होने के लिए, और मैं आई थी मम्मी के रूम में लाइट जल रहा था तो बोले कि बंद कर देना, तो मैं आई हूँ लाइट बंद करने के लिए, और इधर देखे सारे कपड़े पड़े हैं, क्योंकि बारिश में सारे कपड़े बार बार भीग जा रहे हैं, तो बाहर वाले जितने कपड़े आ गए छत पे गए तो मैं उसे छोड़ दी हूँ गुस्सा में, क्योंकि 3 दिन से मैं बाहर डाल रही हूँ, और जैसे ही बाहर डाल रही बारिश हो जा रही है फिर अंदर कर रही हूँ, फिर बारिश खुल जा रही है, मैं 3 दिन से ऐसे ही परेशान हूँ, इसलिए आज गुस्सा में छोड़ दी, जितना बारिश होना हो जाए भीग जाए, रात में अगर खुलेगा आसमान तो सूख ही जाएगा, नहीं तो कल सुबह अगर धूप होगी तो ठीक रहे, फिर कल सुबह उनको अंदर कर दूँगी, और बाकी बाहर के कपड़े जो है देख लीजिए सब, मम्मी वाले में हर जगह कपड़े मिलेंगे आप लोग को, और इधर खिड़की खुली हुई कि ताकि हवा आएगा सूखने के लिए।